तमिलनाडु की स्वास्थ्य व्यवस्था देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत ही बेहतर है। शायद केरल को छोड़कर और कोई राज्य उससे बेहतर नहीं हो सकता है, कोई तुलना ही नहीं है। तमिलनाडु से जो एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स मुझे पता चला है मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। उसको सुनिए, समझिए और देश के स्तर पर आम जन का, मरीजों का, आम जनता का और डॉक्टरों का, दोनों का क्या दुर्दशा है और उसका क्या उपाय होना चाहिए, उसको समझिए, सोचिए और उसको एक दूसरे को बतलाइए। और सरकार को आज नहीं तो कल इन बातों का यदि ख्याल नहीं हुआ तो तकलीफ़ तो हर किसी को है, हर किसी को होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है यह बात सरकार तक भी पहुंचेगी, आप सब ज़रूर पहुंचाइएगा। तो देखिए, तमिलनाडु में पिछले साल में 2022-23 में 8 करोड़ आबादी के लिए लगभग 9 लाख बच्चे, प्रसूति महिलाएँ थी, उस 9 लाख में से लगभग 60% से ज़्यादा, लगभग 5.5 लाख डिलीवरी जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में हुई है, सिर्फ 3.5 लाख प्राइवेट अस्पतालों में हुई है। अब आप यदि डॉक्टरों की संख्या देखें तो सरकारी अस्पतालों में कुल मिलाकर मुश्किल से 1000 के आसपास प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 10000 के आसपास प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। तो 1000 डॉक्टरों के लिए साल में 5.5 लाख प्रसूति और 10000 डॉक्टरों के लिए साल भर में सिर्फ 3.5 लाख प्रसूति, मतलब कि साल में एक डॉक्टर पर ऑन एन एवरेज 35 प्रसूति, सिर्फ मतलब महीने का मुश्किल से 3। और इस तरफ यदि सरकारी में देखिए तो मारामारी पड़ी हुई है, मुझे बतलाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ जो सरकारी डॉक्टर हैं उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कभी कोई उठता है सरकारी डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं रख सकता या ये वो, हज़ार तरह की बातें होती है, चाहे वो मीडिया हो या पुलिस हो। खैर, मीडिया या पुलिस तो सरकारी या प्राइवेट किसी भी तरह के डॉक्टर या अस्पताल का कोई ख्याल नहीं रखती है, यदि डॉक्टर पिट रहे हैं तो मौका मिले तो सरकारी अफसर और पुलिस भी 2-4 हाथ साफ कर लेंगे, क्योंकि उनको भी डॉक्टरों से खुंदकी होती है। लेकिन जब तक डॉक्टरों के सही उपयोग के लिए कोई प्रोसेस नहीं होगा, अभी 1 लाख डॉक्टर लगभग हर साल बन रहे हैं, अगले 5-10 सालों में बड़ी संख्या ऐसे डॉक्टरों की हो जाएगी जो सरकारी नेटवर्क से बाहर काम कर रहे होंगे और उनके पास काम चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह यह कि सरकारी तमिलनाडु जैसे आर्थिक रूप से संपन्न राज्य में 60% लोग सरकारी अस्पतालों में प्रसूति के लिए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसे राज्यों में क्या हाल होगा।